छात्रों, ऑनलाइन आपका क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले हमने पारिस्थितिकीय अनुकूलन इकोलॉजिकल एडाप्टेशन के बारे में चर्चा किया था। आज हम चल रहे हैं समस्त पारस्परिक क्रियाएं या जो है अंतः क्रियाएं या अंतः क्रियाओं के बारे में चर्चा करने, पॉपुलेशन इंट्रैक्शन। आज किसके बारे में चर्चा करने चल रहे हैं? आज हम चल रहे हैं समस्त पारस्परिक क्रियाएं या अंतः क्रियाएं क्रियाओं के बारे में चर्चा करने, पॉपुलेशन इंट्रैक्शन के बारे में चर्चा करने चल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, समस्त के बीच अंतः क्रियाएं या पारस्परिक क्रियाएं जो होती हैं, समस्त के बीच अंतः क्रियाएं या पारस्परिक क्रियाएं परस्पर आदान प्रदान के संबंधों को व्यक्त करती हैं। क्या हमने बताया कि समस्त के बीच अंतः क्रियाएं या पारस्परिक क्रियाएं जो होती हैं परस्पर जीवों के बीच आदान प्रदान के संबंधों को जो होती हैं व्यक्त करती हैं, और ये दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? दो प्रकार की, जिसमें प्रथम को कहते हैं धनात्मक पारस्परिक क्रियाएं, पॉजिटिव इंट्रैक्शन, और दूसरे कहते हैं ऋणात्मक पारस्परिक क्रियाएं, निगेटिव इंट्रैक्शन। कितने प्रकार की पारस्परिक क्रियाएं होती? दो प्रकार की, जिसमें प्रथम को कहते हैं धनात्मक पारस्परिक क्रियाएं, पॉजिटिव इंट्रैक्शन, और दूसरे कहते हैं ऋणात्मक पारस्परिक क्रियाएं, निगेटिव इंट्रैक्शन। आइए हम चलते हैं धनात्मक पारस्परिक क्रियाओं के बारे में जो है चर्चा करने। ध्यान दीजिएगा, पारस्परिक धनात्मक पारस्परिक क्रियाओं के बारे में ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार की अंतः क्रियाओं में जो है दोनों सहयोगी धनात्मक जो है पारस्परिक क्रियाओं में, इसमें दोनों सहयोगी जो सहयोगी या एक सहयोगी लाभान्वित होता है। धनात्मक पारस्परिक क्रियाओं में दोनों सहयोगी या एक सहयोगी जो होता है लाभान्वित होता है, परंतु किसी को कोई हानि नहीं होती है, इसीलिए इसे सहजीवता या सहजीवन भी कहते हैं। फिर समझिए, धनात्मक जो है पारस्परिक क्रियाओं में दोनों सहयोगी जो होते हैं या दोनों जीव या एक सहयोगी या एक जीव लाभान्वित होता है, परंतु कोई किसी को हानि नहीं पहुंचाता है, इसीलिए इसे सहजीवता या सहजीवन कहते हैं। आइए अब जो है सहजीवन के बारे में चर्चा करते हैं या सिम्बियोसिस के बारे में चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सहजीवन या सहजीवता क्या है? सहजीवन एक विशेष प्रकार के सामुदायिक जीवन को कहते हैं, जिसमें दो या दो से अधिक सहजीवन या सहजीवता जो है एक विशेष प्रकार के सामुदायिक जीवन को कहते हैं, जिसमें दो या दो से अधिक जात के जीव साथ साथ रहते हैं। जिसमें दो या दो से अधिक जात के जीव जो है एक साथ रहते हैं या साथ साथ रहते हैं, और आपस में एक दूसरे को लाभ पहुंचाने के लिए कार्य करते हैं। इसमें जो है दोनों को बराबर लाभ होता है तथा किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाता है। फिर समझिए, सहजीवता या सहजीवन क्या है? सहजीवन या सहजीवता एक विशेष प्रकार के जो है सामुदायिक जीवन को कहते हैं, जिसमें दो या दो से अधिक जो है दो या दो से अधिक जात के जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और दोनों को लाभ पहुंचाने के लिए कार्य करते हैं। इसमें दोनों जीव या दोनों सहयोगी को बराबर लाभ होता है तथा कोई किसी को हानि नहीं पहुंचाता है, और इसकी अभिव्यक्ति दो प्रकार से की जाती है। नंबर वन आइए, नंबर वन कहते हैं विकल्पी सहजीवन या असहजीवी सहयोगकर्ता, फैकल्टेटिव सिम्बियोसिस या नॉन सिम्बियोटिक म्यूचुअलिज्म, और दूसरा जो है अविकल्पी सहजीवन या सहजीवी सहोपकारिता, एग्रीगेट सिम्बियोसिस या जो है सिम्बियोटिक म्यूचुअलिज्म। इस प्रकार से जो है सहजीवन की अभिव्यक्ति या सहजीवता की अभिव्यक्ति दो प्रकार से होती है, जिसमें नंबर वन विकल्पी सहजीवन या असहजीवी सहोपकारिता, नंबर दो अविकल्पी सहजीवन या जो है सहजीवी सहोपकारिता। आइए हम चर्चा करते हैं विकल्पी सहजीवन के बारे में। इसके बारे में विकल्पी सहजीवन के बारे में चर्चा करने चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, विकल्पी सहजीवन में इसमें दोनों प्रकार के जीव, इसमें जो है दो विभिन्न प्रकार के जीव के बीच जो है घनिष्ठ संबंध स्थापित करते हैं या स्थापित होता है। इसमें दो विभिन्न प्रकार के जीव आपस में
घनिष्ठ संबंध जो होता है स्थापित करते हैं, परंतु वास्तव में जो है देखने में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि दोनों जीव जो होते हैं अपना जीवन स्वतंत्र रूप से जो होते हैं जीने में सक्षम होते हैं। ध्यान दीजिएगा, विकल्पित सहयोग की समझिए, इसमें दो प्रकार के जो है दो विभिन्न प्रकार के जीव जो है आपस में घनिष्ठ संबंध स्थापित करते हैं, परंतु वास्तव में ऐसा देखने में नहीं होता है, क्योंकि दोनों जीव जो होते हैं जो अपना जीवन स्वतंत्र रूप से जीवन में सक्षम होते हैं। जैसे नीले हरे शैवाल नीले हरे शैवाल में नाश्ता यौन सायकस की प्रवाहित, इस प्रकार के संबंध में जो है नाश्ता और एनामिना जो होते हैं सायकस के प्रवाहित जड़ों के बीच में सहजीवी के रूप में निवास करते हैं, सहजीवी के रूप में निवास करते हैं, लेकिन जो है यहाँ पर जो है अपना अपना जीवन जो होते हैं अपना जीवन स्वतंत्र रूप से ये जीवन सक्षम होते हैं, इसलिए इसको विकल्पित सहजीवन जो होता कहा जाता है। दूसरा ये अब हम चलते हैं अविकल्पी सहजीवन, ये या जो है सहजीवी सहकर्ता आप देखिए सिम्बियोसिस या जो है सिम्बियोटिक म्यूचुअलिज्म के बारे में चर्चा करने चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के जो है सहजीवन में एक जीव का दूसरे जीव के साथ रहना आवश्यक होता है या दूसरे जीवित रहना है। ध्यान दीजिएगा, जो है अविकल्पी सहजीवी या सहजीवन या सहजीवी सहकर्ता में जो है एक जीव का दूसरे जीव के साथ रहना आवश्यक होता है या दूसरे जीवित रहना है, तो अगर नहीं रहना तो ना रहे, लेकिन अगर जीवित रहना है तो दोनों को एक दूसरे के साथ रहना है। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है एक सहजीवी, अब आइए हम चलते हैं पूरा फिर सहजीवन के बारे में। एक सहजीवी अपने पोषी को निम्नलिखित तीन प्रकार से प्रभावित करता है, यानी एक जो है सहजीवी जीव जो होता है अपने पोषी जिसके साथ रहता है उसको तीन प्रकार से जो है प्रभावित करता है। नंबर वन सहोपकर्ता म्यूचुअलिज्म, दूसरे को दूसरा सहभोक्ता कमेंसलिज्म, और तीसरा असहयोग प्रोटोकोऑपरेशन। एक सहयोगी अपने पोषी जीव को तीन प्रकार से प्रभावित करता है, नंबर वन सहोपकर्ता म्यूचुअलिज्म, दूसरा जो है सहभोक्ता कमेंसलिज्म, और तीसरा जो है असहयोग प्रोटोकोऑपरेशन। आइए हम चलते हैं जो है सहोपकर्ता के बारे में चर्चा करने, म्यूचुअलिज्म के बारे में चर्चा करने। ध्यान दीजिएगा, सहोपकर्ता में इस प्रकार का जैसा जीवन जो होता है दो जातियों के बीच या जीवों के बीच जो होता अस्थाई संबंध होता है, इस प्रकार का सा जीवन जो होता दो जातियों या दो जीवों के बीच अस्थाई संबंध होता है, जिसमें दोनों जीवों की पारस्परिक कार्य की निर्भर होती है, इसमें दोनों जीव या दोनों सहयोगों को समान लाभ होता है तथा वह जीवित रहने उगने भोजन एवं कॉलोनी बनाने में परस्पर एक दूसरे की सहायता करते हैं, इसलिए क्या कहते हैं पारस्परिक कार्यकार की निर्भरता होती है। फिर समझिए, इस प्रकार का सहजीवन जो जातियों के बीच अस्थायी संबंध होता है जिसमें दोनों जो है जीवों या जातियों में पारस्परिक कार्य की निर्भरता होती है, इसमें दोनों जीवों को जो है को समान लाभ होता है तथा वह जीवित रहने उगने भोजन एवं कॉलोनी बनाने में एक दूसरे की जो है सहायता करते हैं या एक दूसरे की मदद करते हैं। इसे दो भागों में विभक्त किया गया है, सहोपकारिता को दो भागों में विभक्त किया गया है। प्रथम को कहते हैं अविकल्पी सहोपकारिता, आपने गेट या सिम्बियोटिक म्यूचुअलिज्म, दूसरे कहते हैं विकल्पी सहोपकारिता या फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म। आइए अविकल्पी हम चलते हैं अब अविकल्पी सहोपकारिता के बारे में चर्चा करने। ध्यान दीजिएगा, अविकल्पी सहोपकारिता में इसमें एक जीव दूसरे जीव को जटिल कार्बनिक भोज पदार्थ प्रदान करता है जिसे दूसरे जीव के द्वारा सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है और अर्धपचित भोजन के रूप में पहले जीव को पाचन के लिए वापस कर दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, अविकल्पी सहोपकारिता में इसमें एक जीव दूसरे जीव को जटिल कार्बनिक भोज पदार्थ जो है प्रदान करता है जिसमें दूसरे जीव के द्वारा उसे सरल कार्बनिक पदार्थ के रूप में परिवर्तित किया जाता है तथा अर्धपचित भोजन के रूप में पहले जीव को पाचन के लिए वापस कर दिया जाता है। जैसे
मनुष्य के आंत में पाया जाने वाला सूक्ष्म वनस्पति जैसे इस चेरिचिया कोलाई जीवाणु जो होता है हमारे आंत में पाया जाता है और जो हमारे भोजन में अर्धपचे जो है अर्धपचे सेलुलोज का पाचन करता है और पाचन करके हमें जो होता है विटामिन सी एवं अमीनो एसिड जो होता प्रदान करता है। नेक्स्ट आइए चलते हैं विकल्पी सहोपकारिता के बारे में चर्चा करने। विकल्पी सहोपकारिता या फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म के बारे में सहायता करने। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के सहोपकारिता में या सहजीवन में जो है दो सहयोगियों के बीच संपर्क या संबंध बहुत कम समय के लिए होता है। इस प्रकार के जो है सहजीवन या सहोपकारिता में दो सहयोगियों की चोटियों के बीच संबंध या संपर्क बहुत कम समय के लिए होता है। इसमें दोनों जीवों को लाभ होता है परंतु पोषण संबंधी या भोजन संबंधी आवश्यकता केवल एक जीव की पूरी होती है। फिर समझिए विकल्पी सहोपकारिता, इसमें दोनों सहयोगियों के बीच संपर्क या संबंध बहुत कम समय के लिए होता है तथा दोनों को इसमें दोनों जीवों को बराबर लाभ होता है परंतु भोजन या पोषण संबंधी आवश्यकता केवल एक की पूरी होती है। जैसे परागणकर्ता जंतुओं एवं आवृत विधि पुष्पों के बीच सहोपकार, ध्यान दीजिएगा, जैसे परागणकर्ता में कीट हैं, उसमें कीट हैं, मधुमक्खियां हैं, ठीक है, भौरे हैं, ये सभी जो होते हैं वो आवृत बीजी पौधों के पुष्प पर आप देखते हैं सरसों के पुष्प पर बैठते हैं, वहां से वो मकरंद लेते हैं, भोजन लेते हैं और परागकण को दूसरे पौधे पुष्प पहुंचाते हैं। यहाँ पर केवल कीट जो होता है या मधुमक्खियां या भौरे जो होते हैं भोजन लेते हैं और जो है पौधा जो होता है उनसे भोजन नहीं लेता है बल्कि उनके द्वारा जो है परागकण को जो है दूसरे पौधे के पुष्प पर पहुंचाया जाता है। दूसरा ये फल, दूसरा एग्जाम्पल फलों एवं बीजों का प्रकीर्णन तथा जंतुओं के बीच सहोपकारिता। ध्यान दीजिए कि फलों एवं बीजों के प्रकीर्णन में जो होता है जंतुओं में इसका जो है जंतुओं का इसमें काफी दोनों के बीच जो है संबंध होता है। जैसे पक्षियां जो होती है फलों को खाती हैं और ले जाती हैं उनके बीजों को, अन्यत्र जो होती हैं वो मल द्वार के द्वारा त्याग कर दिया जाता है। इसी प्रकार कुछ पशु जो होते हैं के पूंछों से या शरीर से चिपक करके फल जो होते हैं या बीज जो होते हैं चिपक करके दूसरे स्थानों पर जो होते पहुंच जाते हैं तथा इसी प्रकार देखिए मनुष्य के द्वारा मनुष्य भी फलों एवं बीजों के प्रक्रम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये फलों को लेता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य करता है। छात्रों, हम ऑनलाइन क्लास यहाँ समाप्त करते हैं, इसके आगे कल चर्चा करेंगे।